So hello everyone. Most of you must be thinking that how to teach kids English, especially when kids are home, they are on vacations and they do not go to schools, they do not talk to their friends, they do not meet with their friends. Then it becomes very difficult to keep them touch in English. So today I'm going to discuss some points which are pivotal for all the kids to learn. And before that, I think parents should also understand that what are the key points by which we can teach them English, we can keep them in touch so that they can speak fluent English later in the future. बहुत से लोग यह सोचते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे अपने आप स्कूल्स में इंग्लिश बोलना सीख लेंगे, पर जो आजकल ज़माना चल रहा है, जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है, उसमें ये बहुत ज़रूरी पार्ट है ये समझना कि बच्चों को हम लोग छोटे ही पन से, जब वो 2 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, बल्कि मैं कहूँगा 1 साल का भी बच्चा है तो भी आप उनसे इंग्लिश में बात करना शुरू कर सकते हैं। ये लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर, क्योंकि घर में हिंदी चल रही है या कोई रीजनल लैंग्वेज चल रही है, सिंधी चल रही है, पंजाबी चल रही है, गुजराती चल रही है, और अगर हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या बच्चा कन्फ्यूज होगा? बिल्कुल चांसेस हैं बच्चा कन्फ्यूज होगा, पर हो सकता है कि वो बच्चा थोड़ा सा लेट बोलना सीखे। मान लीजिए छोटा बच्चा है, 1 साल का है, 2 साल का है, हो सकता है वो लेट बोलना सीखे, पर स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमेशा माना जाता है कि ज़्यादा लैंग्वेजेस बच्चे के दिमाग को विकसित करती हैं, डिवेलप करती हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड टीच देम इंग्लिश। ये क्वेश्चन ज़रूर हमारे दिमाग में हो सकता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो क्या हम बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हैं? बिल्कुल सिखा सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग, आप लोगों को अपनानी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। मेरा नाम है हिमांशु अरोड़ा, आई एम एन ऑनलाइन इंग्लिश ट्रेनर एंड कोच, और चलिए अब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को इंग्लिश के टच में रखें और उनको इंग्लिश बोलना सिखाएं। सबसे पहले तो मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि आपको दिन में 20 से 30 मिनट अपने बच्चे के साथ गुजारने चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आती है बोलना तो अच्छी बात है, देन यू शुड टॉक टू द चाइल्ड इन इंग्लिश। आप उसको समझा सकते हैं अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा, अपने जेस्चर्स के द्वारा, हैंड मूवमेंट्स के द्वारा, ताकि वो इंग्लिश में बच्चा समझ सके। शुरू में हो सकता है वो बच्चा इंग्लिश में ना बोले तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इट विल टेक सम टाइम, बट चाइल्ड विल डेफिनेटली लर्न दैट। यू ऑल हैव टू हैव पेशेंस फर्स्ट। पहली चीज़ जो सबसे गलत कुछ पेरेंट्स करते हैं बच्चों के साथ, वो यह कि वो बच्चों की लैंग्वेज में बोलने लग जाते हैं। आप लोगों को यह ध्यान रखना है, आपको कभी बच्चों की लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करनी है, बल्कि अपनी लैंग्वेज उनको सिखानी है। जैसे अगर कोई बच्चा मिल्क बोलना है, दूध को मिल्क बोला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको पहले दूध सिखाएंगे, फिर दूध बोलना सिखाएंगे, फिर मिल्क सिखाएंगे। आप शुरुआत से ही उसको मिल्क सिखाइए। मान लीजिए आपके घर में कुछ बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो उसको हो सकता है दूध बोलना सिखा रहे हों, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेट देम टीच देम। आप उनको मिल्क बोलिए, जब भी आप उनको मिल्क पिलाएं बोलें दिस इज़ मिल्क, दिस इज़ गुड मिल्क, दिस इज़ ग्रेट मिल्क। तो आप उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। जब आप बार बार मिल्क बोलना शुरू करेंगे देन दैट चाइल्ड विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। बट प्लीज़ रिमेंबर, आप उनकी लैंग्वेज को कभी भी इमिटेट नहीं करेंगे। अक्सर ये माना गया है कि जब बच्चे तोतलेपन में बोलते हैं तो हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वी फील एक्साइटेड। जब हम लोग उनको सुनते हैं कि वो तोतला बोल रहे हैं तो हमें लगता है कि कितनी प्यारी लैंग्वेज है, तो हम लोग भी उनकी तरह वैसा बोलना शुरू कर देते हैं। यही गलती हम लोग करना शुरू कर देते हैं, वो बच्चा फिर लेट बोलना सीखेगा, करेक्ट नहीं बोलेगा, और हो सकता है उसको तोतलाने की आदत फ्यूचर में रह जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लैंग्वेज में बच्चे के साथ बोलें, लैंग्वेज बच्चे की एक्सेप्ट ना करें, उसको करेक्ट करें जब ज़रूरत हो। सब दूसरी चीज़, जितने भी ऑब्जेक्ट्स के नेम्स हैं, हम अपने अगले वीडियोस में आप लोगों को यह बताएंगे कि ऑब्जेक्ट्स के नेम्स को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पर जितने भी चीज़ों के नाम हैं वो कोशिश करें कि इंग्लिश में बोलें। जैसे अगर आप बच्चे को कहते हैं कि पंखा चला दो, या किसी के बच्चे के सामने किसी को बोलते हैं कि पंखा चला दो, इन प्लेस ऑफ सेइंग आपको करना क्या है, पंखे की जगह फ़ैन बोलना है, इतना सा काम करना है, मेज़ की जगह टेबल बोलना है, इतना सा काम करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पानी की जगह वाटर बोलिए, सेब की जगह एप्पल बोलिए, केले की जगह बनाना बोलिए, इतना करना शुरू कर दीजिए।
और अब जब जो ऑब्जेक्ट्स के नेम्स हैं उनको हम लोग वीडियोस में डिस्कस करेंगे और उसको बारे में बताएंगे इन द फ्यूचर कि हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। एक काम और कर सकते हैं आप लोग, स्पेशली द डेज ऑफ द वीक, द मंथ्स ऑफ द ईयर, 1 to 20 काउंटिंग या 1 to 100 काउंटिंग अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, आप उसकी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। मैं इसके लिंक्स जो हैं, जो मैंने इन पर वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आप खुद भी प्रैक्टिस करें और बच्चों को भी प्रैक्टिस कराएं, और कोशिश ये करें कि उनको ये बार बार प्रैक्टिस कराएं कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, जैसे उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन, उनका करेक्ट उच्चारण जो है वर्ड्स का, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट और दैट यू कैन डू, दैट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। इसकी आप कोशिश मत कीजिए, डाउट मत कीजिए या कोई प्रॉब्लम मत रखिए दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश परफेक्टली और फ्लुएंटली एंड आवर इंग्लिश इज़ ब्रोकन, हाउ वी आर गोइंग टू मेक किड्स स्पीक, देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट। आपको ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करना है, जो वीडियोज़ हैं, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम, स्पाइसेस नेम, ग्रेन्स नेम्स, ये सब के वीडियोज़ भी आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और कोशिश ये कीजिए कि उनको सुने, जिन वर्ड्स को आप नहीं जानते हैं इंग्लिश में तो आप उनको सुनकर खुद सीखें, फिर बच्चों को वो सिखाएं, उसकी प्रोनंसिएशन की प्रैक्टिस। इवन ऑफलाइन डिक्शनरीज अवेलेबल है मोबाइल पर, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और सॉरी उसके बाद आप इन चीज़ों पर वर्क करना शुरू कर सकते हैं। जब कोई बच्चा इंग्लिश में बोलता है, मान लीजिए उसने कुछ गलत बोला, द चाइल्ड हैज स्पोकन समथिंग रॉन्ग, या करेक्ट प्रोनंसिएशन नहीं थी उस वर्ड की, तो आप पहले तो उसकी तारीफ करें, फर्स्ट यू प्रेज द चाइल्ड। तारीफ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे उस बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, वो बूस्टअप होता है ताकि वो आगे भी इंग्लिश में बोले, फिर उसको करेक्ट कीजिए। प्लीज़ रिमेंबर, पहले तारीफ करना फिर करेक्ट करना, कभी भी बच्चे को आप डायरेक्ट करेक्ट मत कीजिए, अदरवाइज उसके अंदर हेटर्ड फीलिंग आ जाएंगी, हो सकता है वो डिसहार्टेंड हो जाए और उसके बाद वो कभी इंग्लिश में आपके सामने बोले ही नहीं, क्योंकि वो डरने लग जाएगा कि अगर मैं इनके सामने बोलूँगा तो ये मुझे करेक्ट करेंगे। पहले आप उनको तारीफ कीजिए, फिर थोड़ा समय रुककर उसको करेक्ट कर लीजिए। अगर आप करेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पहले बुलवाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लोगों जब बच्चे बोलते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गलत भी बोलेंगे। मैं आपको एक वीडियो, आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लेंगे कि मेरे बेटे के साथ मैं इंग्लिश में कैसे बात करता हूँ। जब वो गलत भी बोलता है तो मैं उसको बोलने देता हूँ, आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, फिर उसको बाद में जाकर करेक्ट करता हूँ। मान लीजिए आपने अपने बच्चों को द डेज ऑफ द वीक सिखा दिए, या द मंथ्स ऑफ द ईयर सिखा दिए, या 1 to 100 काउंटिंग सिखा दी, आप ये कभी मत कीजिएगा कि आपके कोई भी फ्रेंड आपके घर पर आ रहे हैं और आप अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा अंकल को द डेज ऑफ द वीक सुनाओ, या मंथ्स नेम सुनाओ, या द मंथ्स ऑफ द ईयर सिखाओ सुनाओ। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है कभी भी, क्योंकि बच्चे का मूड होता है। देखिए हमारा भी मूड होता है, तो हो सकता है बच्चे का वो मूड नहीं है उस वक्त बोलने का। अब मान लीजिए वो बच्चा बोलेगा नहीं, आप उसको बाद में डांटेंगे या आप उसको कहेंगे कि आप बोला करो, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, कभी भी ऐसा ना करें। दूसरा एक चीज़ का और हम लोग ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चे का कोई फ्रेंड उसके साथ खेल रहा है और वो बच्चा इंग्लिश में बोलता है, आप कोशिश कीजिए कि कभी भी किसी भी बच्चे को उसके फ्रेंड्स के सामने करेक्ट ना करें। आपको करेक्ट करना है उस वर्ड्स को याद रख, उन वर्ड्स को याद रखिए, उन सेंटेंसेस को याद रखिए। आफ्टर सम टाइम व्हेन द चाइल्ड लीव्स, देन यू कैन आस्क योर चाइल्ड टू करेक्ट दैट वर्ड और सेंटेंस। अगर नहीं भी करेक्ट करेंगे तो देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, देर मे बी अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पर आप बच्चे को करेक्ट कर सकते हैं, पर कोशिश ये कीजिए कि अब उस बच्चे के फ्रेंड के सामने आप करेक्ट ना करें। अगर आपको लगता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप करेक्ट करेंगे, बार बार टोकेंगे, बार बार करेक्ट करेंगे, उसके बाद वो बच्चा किसी भी हालत में इंग्लिश नहीं बोलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। जब आप अगर इंग्लिश बोलते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखिए, कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट। जितने आप सेंटेंसेस को शॉर्ट रखेंगे वो बच्चा जल्दी उन चीज़ों को पकड़ेगा और उसको बोलना शुरू करेगा। लॉन्ग सेंटेंसेस ही मे नॉट बी एबल टू कैच, एंड इफ ही इज नॉट एबल टू कैच ही मे नॉट बी एबल टू स्पीक। सो इनिशियली यू शुड कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट सो दैट द चाइल्ड कैन कैच द पॉइंट्स एंड देन कैन स्टार्ट स्पीकिंग दोज पॉइंट्स। स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये आप डेली की हैबिट में लेकर आएँ, डेली प्रैक्टिस में लेकर आएँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, नाइस मीटिंग यू,
ये छोटी छोटी चीज़ें आप बोलना शुरू कीजिए। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ मांगनी, कुड आई हैव, आप खुद इंग्लिश में बोलिए। जब वो देने लगे, हियर यू आर, टेक इट प्लीज़, जो भी आप इंग्लिश में उसको सिखाते हैं, तो आप वो इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू कीजिए, धीरे धीरे करके, जब आपको लगे कि वो अब कंफर्टेबल है छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलने में, देन यू कैन स्पीक लॉन्ग सेंटेंसेस विद द चाइल्ड। और जैसे अगर आपको कोई भी नया वर्ड उस बच्चे के सामने इंट्रोड्यूस करना है, तो कोशिश कीजिए कि उस वर्ड को रिपीट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। बच्चे आजकल कार्टून चैनल्स ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि इंग्लिश में भी कार्टून चैनल्स अवेलेबल हैं, तो आपका बच्चा इंग्लिश में वो कार्टून चैनल्स देखना शुरू करे, सुनना शुरू करे। हो सकता है शुरू में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको उसको धीरे धीरे करके मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद भी उसके साथ देखना पड़ेगा। जैसे वो कार्टून में कुछ होता है तो आप भी ताली बजाना शुरू कीजिए, हंसना शुरू कीजिए, ताकि वो बच्चे को लगे कि इसका मतलब इंग्लिश में कार्टून चैनल्स देखकर भी इंटरेस्ट आता है। आप कुछ दिन ऐसा करेंगे, ट्रस्ट मी, आपका बच्चा थोड़े दिन बाद खुद वो इंग्लिश कार्टून चैनल देखने लग जाएगा। पर आपको कुछ टाइम के लिए वो पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको उसके साथ वो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, ताकि आपका बच्चा अच्छी इंग्लिश बोलना सीखे। शुरुआत कीजिए, जितना आप शुरुआत करेंगे, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, ही मे नॉट बी एबल टू स्पीक इन स्टार्टिंग, ही मे गेट कन्फ्यूज्ड, हो सकता है शुरू में कन्फ्यूज भी हो, क्योंकि कोई उसको पानी बोल रहा होगा, आप उसको वाटर बोल रहे होंगे, तो ही मे गेट कन्फ्यूज्ड, ये चांसेस हैं। बट यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, टाइम लगेगा, बट ही विल पिक इट अप एंड देन ही विल स्टार्ट स्पीकिंग। सो देखते रहिए हमारे वीडियोस, और कोशिश ये कीजिए कि जितने भी चीज़ें इंग्लिश में आपको ज़रूरी हैं, वो इस यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगी। कुछ के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए जिससे आपका बच्चा और चीज़ें सीखे, तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।